हेलो फ्रेंड, आई एम संजू शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने देखा है कि हमारे ड्रेसेज के होते हैं कितने कितने टाइप्स और उनके अंदर होते हैं किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म। अब मैंने कई बार उन वीडियो में अल्गोरिदम्स का जिक्र किया है, तो अल्गोरिदम होते क्या है, उनके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, वो किस तरह करते हैं काम, तो उस पर हम बात करते हैं इस वीडियो में, जो है बेसिक्स ऑफ अल्गोरिदम। अब अल्गोरिदम का काम क्या होता है और अल्गोरिदम होते क्या है। अब जब भी हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए हम काम करते हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी का, वैसे उसे हम कहते हैं अल्गोरिदम। इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि हमें इस तरह का प्रोग्राम बनाना है, उसमें इस तरह की होंगी मेमोरी, इस तरह का होगा उसमें इनपुट, इस तरह से हमें मिलेगा आउटपुट, प्रोसेस होंगी इस तरह से, और ये जो सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है इसे हम कहते हैं अल्गोरिदम। और अल्गोरिदम का एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको प्रोग्राम बनाने से पहले पता चल जाता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो कितना इफिशियंट है, कितना अच्छे से काम करेगा, और ये हमें पता चलता है बाय यूज ऑफ मैथमेटिक्स, और इसीलिए हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं अल्गोरिदम्स का। अब अल्गोरिदम आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपका जो कोड है उसको समझने के लिए, उसके बग्स निकालने के लिए, और कोडिंग के अलावा जो भी आपका प्रोग्राम का किस तरह वर्किंग रहेगा वो सब डिसाइड करता है आपका अल्गोरिदम। सो अल्गोरिदम इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंप्यूटर इंजीनियरिंग। दैट्स व्हाई डेटा स्ट्रक्चर के लिए ये पार्ट पढ़ाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो भी हम अब आगे डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं वो सब रिलेटेड है अल्गोरिदम से। सो बढ़ते हैं अब हम अल्गोरिदम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अल्गोरिदम। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अल्गोरिदम होता क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अल्गोरिदम ये बताता है कि जो हम अल्गोरिदम इस्तेमाल करने वाले वो कितना इफिशियंट है, वो कंप्यूटर के कितने अच्छे से सारे रिसोर्सेज का करता है इस्तेमाल, और अल्गोरिदम का टाइम कंजम्पशन है कितना कम। तो कॉम्प्लेक्सिटी में होते हैं दो टाइप, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझने की करते हैं कोशिश। समझिए हमारे पास में 40 किलो का वेट है, और एक हमारे पास बॉक्स है 10 किलो का और दूसरे हमारे पास बॉक्स है 40 किलो का। तो हम क्या करते हैं कि पहले करते हैं 10 किलो के इससे चार बार ले जाने का काम, तो हमारा जो टाइम लगेगा वो लगेगा 8 मिनट समझिए, क्योंकि 2 मिनट जाने को 2 मिनट आने को, तो चार बार कभी वो कर रहा है तो उसे लगेगा 8 मिनट। एक हमारे पास है 40 किलो का बॉक्स और उसमें वो सारा सामान डाल देगा और 2 मिनट में लेके चले जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो उसके लगेगा सिर्फ 2 मिनट का वक्त। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम जब कंप्यूटर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं 10 किलो का और 40 किलो का, तो ऐसे टाइम पे जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है, जो हमें ले जाने के लिए जो ताकत लग रही है वो लग रही है बहुत ज़्यादा 40 किलो के लिए, बट हमारा टाइम हो रहा है बहुत कम। दूसरे तरफ हम 10 किलो का इस्तेमाल कर रहे हैं, आराम से एक बंदा उसको इधर से उधर लेके जा सकता है, बट हमारा टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होता है ये बटा होता है दो पार्ट्स में, एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये दोनों के दुश्मन माने जाते हैं हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर। रीजन ये होता है कि अगर आपको आपके एल्गोरिदम का करना है टाइम बहुत ज्यादा कम, तो आपको आपके कंप्यूटर के बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, मल्टीपल रजिस्टर्स, मल्टीपल पॉइंटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको धीरे धीरे ये बात समझ आ जाएंगी। बट एक अच्छा एल्गोरिदम वो होता है जो कम से कम मेमोरी का इस्तेमाल करे, लेकिन कभी हम कम मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे एल्गोरिदम का टाइम बढ़ जाता है। सो कॉम्प्लेक्सिटी का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों के बीच का एक स्टेबल कॉम्बिनेशन बनाया जाए। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जो स्पेस को कम से कम इस्तेमाल करते हैं और टाइम भी कम से कम लेते हैं, बट कभी हम स्पेस और ज़्यादा कम करें तो टाइम बढ़ जाएगा, और अगर टाइम को हम कम करेंगे तो फिर उसका स्पेस बढ़ जाएगा। तो ये दोनों का लेवल लाना इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसे ही अल्गोरिदम को हम इस्तेमाल में लेते हैं। अब जो हमारा अल्गोरिदम है, ये जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हम मैथमेटिकली बहुत आसानी से कर सकते हैं पता, और इसी तरह से जो हमारा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसको हम बांटते हैं तीन पार्ट में, जो है वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस। अब वर्स्ट केस क्या हो जाता है कि हम अल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझे सर्चिंग अल्गोरिदम का, और हमारे पास में 100,000 सेल्स है मेमोरी सेल, और जो हमारा डेटा है वो स्टोर है सबसे लास्ट में, तो कंप्यूटर को पूरा का पूरा डेटा स्कैन करते हुए जाना पड़ेगा और उसका टाइम हो जाएगा बहुत बर्बाद। तो
तो इसे हम कहते हैं वर्स्ट केस। अब हम बढ़ते हैं बेस्ट केस में। समझिए, आपको कोई चीज ढूंढनी है और वो आपके सामने पड़ी है एकदम शुरुआत में ही, तो क्या बात है। और यही होता है एल्गोरिदम का। कभी एल्गोरिदम में हम ढूंढ रहे हैं डेटा को और हमारे पास में 1,00,000 मेमोरी सेल्स है और डेटा हमारा फर्स्ट लोकेशन पे मिल जाता है। वाह जी वाह, क्या बात है, बेस्ट केस। बट एवरेज केस होता है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस को छोड़ने के बाद में जो भी केसेस है सब एवरेज केस में चले जाती है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट खत्म। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ, जो है एल्गोरिदम नोटेशंस। अब हम जब भी एल्गोरिदम बनाते हैं या फिर लिखते हैं या फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो बहुत सारे नोटेशंस ऐसे होते हैं जो हमें बार बार करना पड़ते हैं इस्तेमाल। तो उसमें से पहला नोटेशन है स्टेप्स। स्टेप्स हर जगह इस्तेमाल होगा एल्गोरिदम में। ये बताता है कि हमारे एल्गोरिदम में है कितनी कितनी स्टेप्स। पहली स्टेप डेटा को लेना, दूसरी स्टेप उसके इक्वेशंस, उसके प्रोसेस वगैरह वगैरह, फिर आउटपुट सब जाता है स्टेप्स के अंदर। उसके बाद में आता है कंट्रोल। कंट्रोल का काम होता है कि हम किस तरह से हमारे डेटा का जो फ्लो है कंट्रोल कर रहे हैं, हम किस तरह से डेटा को ले रहे हैं, किस तरह से हम लूप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चले जाता है कंट्रोल के अंदर। थर्ड होता है एग्जिट। हमें कहां से हमारे एल्गोरिदम को करना है खत्म, उससे हम करते हैं एग्जिट नोटेशन से। उसके बाद आता है कमेंट्स। एक अच्छा एल्गोरिदम वो नहीं होता है जो बहुत अच्छी प्रोसेस को बताता है। एक अच्छा एल्गोरिदम वो होता है कि जिसे पढ़ने पे समझ आ जाए कि यार अच्छा मुझे ये करना है। और एल्गोरिदम सबसे ज्यादा परेशान करते हैं उस वक्त जब उसके अंदर अच्छे कमेंट्स नहीं होती है। सो एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिसिंग एल्गोरिदम, कमेंट्स एक इसेंशियल पार्ट्स बन जाते हैं, क्योंकि जब हम कोई कोड पढ़ते हैं, जब हम एल्गोरिदम पढ़ते हैं, तो पीछे के जो कमेंट्स होती है वो हमें बताती है कि यहाँ पे चालू क्या है, कि एल्गोरिदम अच्छा एल्गोरिदम फॉर लूप लगा रहा है तो फॉर लूप क्यों लगा रहा है, तो ये पता चलता है कमेंट्स के अंदर। उसके बाद में आता है असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स करते क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट करते हैं एक रजिस्टर में डेटा डालने का काम, या फिर समझाने का काम कि ये जगह से डेटा ये जगह पे जाने वाला है। तो ये जो इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेशंस होते हैं वो ये स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में आता है वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम्स का इस्तेमाल हम करते हैं ऑब्वियसली वेरिएबल के नेम देने के लिए। उसके बाद में है इनपुट्स। हर एल्गोरिदम की जो स्टार्टिंग होती है, हम ब्रैकेट्स के अंदर उनके इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल पहले डिफाइन करते हैं, और इनपुट के अंदर, इनपुट नोटेशन के अंदर हम इनपुट लेना शो करते हैं। सिंपली इनपुट है तो आउटपुट होगा ही, तो ये इनपुट की जैसी ही है, बस वहां पे आउटपुट होता है। अब प्रोसीजर्स में क्या होता है कि जो हमारा टोटल एल्गोरिदम है, जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है एग्जीक्यूट, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसीजर्स है, उसके अंदर है कौन कौन सी प्रोसेसेस, तो वो सारा का सारा डेटा मिल जाता है यहाँ पे। सो आई होप दोस्तों आपको एल्गोरिदम से रिलेटेड सारे पॉइंट आ गए होंगे समझ। और अगर आपको सारे पॉइंट आ गए हैं समझ, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, और साथ साथ में आप अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाते जाता हूँ। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, क्योंकि नोटिफिकेशन जरूरी है। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन आई होंगी पसंद। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।